मुंबई के खार वेस्ट में मौजूद न्यू ब्यूटी सेंटर नाम की 7 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग इमारत के बेसमेंट में लगभग सुबह 10:30 बजे लगी, जिसके बाद पूरी इमारत में धुआं भर गया और वहां मौजूद लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया। जानकारी मिलने के बाद वहां फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 5 जंबो वाटर टैंक पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस इमारत में आग लगी, जो आग है वो ये 7 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी है। इमारत में धुआं भरा होने की वजह से फायर ब्रिगेड के जवानों को इमारत के भीतर जाने में काफी दिक्कत हुई, जिसके बाद धुएं को एक बड़े पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। एमसीबी के कर्मचारी भी इमारत के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने धुएं से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। भारत ने अग्नि 4 की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जा सकने वाली इस मिसाइल को ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया। DRDO के मुताबिक परीक्षण के समय अग्नि 4 सभी मानकों पर खरी उतरी और उसने सटीक तरीके से टारगेट को नष्ट किया। 4000 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन को कवर करने के साथ ही यूरोप तक मार कर सकती है। 20 मीटर लंबी अग्नि 4 मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जा सकती है, जिसमें नेविगेशन के लिए आधुनिक रडार और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिससे ये भटकने के बाद भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। साथ ही ऐसे इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए कहीं से भी आसानी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी अग्नि 4 के साथ परीक्षण किए जा चुके हैं, जिनके बाद इसे सेना में शामिल किया गया था। लखनऊ के बाद आगरा में भी यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऐसे होर्डिंग लगाए गए हैं जिनमें उनमें अवतार बताया गया है। इस होर्डिंग में यूपी नवनिर्माण सेना का नाम लिखा है और सीएम योगी को त्रेता युग के भगवान राम की तरह से कलयुग का अवतार बताया गया है। इस बीच आगरा के मेयर ने दावा किया कि ये होर्डिंग बिना इजाजत के लगाए गए हैं, इसलिए इसको उतराकर होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसने भी इस प्रकार का होर्डिंग लगाया है, वो अवैध है और नगर निगम की बिना अनुमति के वो होर्डिंग लगाया है। योगी 4 PM और ना ही नगर निगम से कोई अनुमति प्राप्त करी है और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वैसे भी आगरा नगर निगम में जितने भी होर्डिंग है 10x20 के सभी प्रतिबंधित है और प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद जिन्होंने भी होर्डिंग लगाया है इसकी जाँच करके हम अवश्य कार्रवाई करेंगे।